Assalamu alaikum, dear students. Today, we're going to discuss the drugs that are used for the treatment of hypertension. हाइपरटेंशन में हम स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा हमें पता हो कि व्हाट इज़ द डिज़ीज़ अबाउट. सो बेसिकली हाइपरटेंशन वी ऑल नो इज़ द मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़. इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि बेसिकली इट इज़ अ साइलेंट किलर. इट इज़ जस्ट अ रेज इन ब्लड प्रेशर जिसका अपना कोई सिम्टम नहीं होता, बट इट एंड्स अप कॉजिंग सम सीरियस एंड ऑर्गन डैमेज सच एज डैमेज टू द किडनी वेसल्स और द वेसल्स इन द हार्ट और ब्रेन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा. इट इज़ गोइंग टू कॉज रीनल फेलियर. इट कैन मैनिफेस्ट एज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक. स्ट्रोक इस्कीमिक भी हो सकता है और स्ट्रोक हेमरेजिक भी हो सकता है. हाइपरटेंशन स्पेसिफिकली प्रीडिस्पोज़ेस टू द हेमरेजिक स्ट्रोक. अगर हम इसको ट्रीट करें, वी कीप द ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, तो ऑब्वियसली वी कैन रिड्यूस मोर्टैलिटी एज वेल एज द मॉर्बिडिटी इन द पेशेंट्स. सो अब यहाँ पे पॉइंट ही आ जाता है कि हाउ टू डायग्नोस. तो डायग्नोसिस जो है, देखिए ऐसे नहीं कि एक दफ़ा एक रीडिंग ब्लड प्रेशर की रेज्ड आ गई तो आपने कहा कि ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है. नो, रिपीटेड रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट्स ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. ठीक है, अब कितनी रिपीटेड हो, उसमें क्या ड्यूरेशन हो, तो जो क्राइटेरिया कहता है वो कहता है थ्री डिफरेंट रीडिंग्स विच आर टेकन एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट. ऐसा नहीं कि इकट्ठी आपने 3 रीडिंग्स ले ली और आपने कहा कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है. कोई पेशेंट एक्सरसाइज की हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर रेस्ड हो सकता है. कोई पेशेंट एंशियस हो सकता है एट वन टाइम और उसका ब्लड प्रेशर रेस्ड हो सकता है. देर इज ऑल्सो वाइट कोट हाइपरटेंशन, क्योंकि पेशेंट जब जाता है डॉक्टर के पास तो जो उसकी फर्स्ट रीडिंग आती है वो थोड़ी सी हाई आती होती है. सो इन ऑर्डर टू डायग्नोज हाइपरटेंशन वी से कि एटलीस्ट 3 रीडिंग्स 4 आवर्स अपार्ट, इसको हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है. ठीक है, नाउ अगेन व्हेन वी से दैट द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, तो वी नीड टू नो कि अब उसकी क्या कैटेगरीज हैं. सी, इफ द ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120/80, वी कंसिडर इट एज नॉर्मल ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर 120/135 और डायस्टॉलिक प्रेशर 80/89, वी टेक इट एज प्री हाइपरटेंशन. ग्रेटर देन 140 को हम कहते हैं कि जी हाइपरटेंशन है, बट देर आर डिस्क्रिपेंसीज हेयर, बिकॉज अब जो आपकी लेटेस्ट बुक आती है वो ये कहती है कि ग्रेटर देन 130 अगर सिस्टॉलिक हो गया है तो यू से कि ये हमने प्री हाइपरटेंशन कॉज कर दी है. ये आपकी अब जो 2017 की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी यू कैन आइदर हैव स्टेज 1 और भी यू कैन हैव द स्टेज 2 हाइपरटेंशन. सो जाहिर है कि अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी आपका डिजीज ट्रीटमेंट चेंज होता जाएगा. सो कमिंग टू द पॉइंट कि हाइपरटेंशन होती कैसे है, ये सडनली ब्लड प्रेशर रेज क्यों कर जाता है, कैसे कर जाता है. बेसिकली 90% ऑफ द केसेस विच प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, दे आर ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन और असेंशियल हाइपरटेंशन. दैट मीन्स कि उनके अंदर कोई पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिक कॉज आपको नहीं मिलती है. देर इज़ नो कॉज फॉर द हाइपरटेंशन. देर आर सर्टन पेशेंट्स विच हैव सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें कोई स्पेसिफिक एटियोलॉजी हो, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाए, कोई एंडोक्राइन डिजीज हो, कुशिंग सिंड्रोम हो, देर इज सम हार्मोनल एबनॉर्मैलिटी दैट इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, कोई ट्यूमर ऐसा हो विच इज़ कॉजिंग रेज्ड ब्लड प्रेशर. तो अगर कोई आपके पास डेफिनेट एटियोलॉजी होगी तो आप कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बट दैट इज़ ओनली 10% ऑफ द केसेस. मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विच प्रेजेंट आर जनरली presenting with essential hypertension, but you do need to rule out the causes of secondary hypertension ताकि आप confirm कर सकें कि हाँ भाई ये essential hypertension ही है. What are the risk factors that can cause hypertension? सबसे बड़ी चीज़ ना genetics है, और ये आपका unmodifiable risk factor है. आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में. But then there is stress. There are people who are type A personality, type A plus personality, जो बहुत ज़्यादा stress लेते हैं हर चीज़ का, बहुत ज़्यादा anxiety उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है. तो उनके अंदर there are chances of developing hypertension more as compared to the people who take less stress. Diet has a big role, especially आपकी जो salt है. हम सबको इस चीज़ का, layman's को भी पता है कि जी नमक कम खाना है, blood pressure rise कर जाता है. ठीक है, सॉल्टी डाइट और फिर जितने भी हम फैटी फूड लेंगे वो एथरोसिक्लेरोसिस को प्रमोट करेगा. दीज आर ऑल मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आर इंटरलिंक्ड. वन थिंग लीड्स टू द अदर थिंग ट्रिगर्स द अदर. ठीक है,
तो वी हैव टू मेक श्योर कि डाइट जो है उसमें सॉल्ट इनटेक कम होना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल इनटेक कम होना चाहिए. दीज आर द फैक्टर्स विच कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क टू हाइपरटेंशन. लाइफस्टाइल में ब्लड प्रेशर को जो चीज़ रिड्यूस करती है विद रिसर्च प्रूवन फैक्ट्स, दैट इज़ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज प्रोड्यूसेस चेंजेस इन योर बॉडी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस. ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं विच रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर. सो रेगुलर एक्सरसाइज, एंड वेन वी से रेगुलर एक्सरसाइज तो हम रिकमेंड क्या करते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, जो आपका बन जाता है कि 150 मिनट्स एटलीस्ट पर वीक. कि लेट्स से कि अगर आप यू वॉक फॉर 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज इन अ वीक, तो आप एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, दिस इज़ द मिनिमम कि आपकी एक्सरसाइज होने चाहिए. ठीक है. स्मोकिंग इन ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रेडिकल्स दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन. और एक्सरसाइज अलहदा से क्यों लिखी गई, कि लाइफस्टाइल में आपने एक्टिविटी भी आपकी ज़्यादा हो सकती है. ठीक है. सो एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट कि स्टैंड अलोन इसने आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस हियर. ठीक हो गया. सो आफ्टर वी नो कि हाइपरटेंशन, द रेज इन ब्लड प्रेशर, हाउ इट इज़ कॉज्ड, व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स, अब हमारे लिए ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में नॉर्मली ब्लड प्रेशर रेगुलेट कैसे होता है. हमें सबसे पहले जिस इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज ये हमारे जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ना, हमने बार बार वी आर गोइंग टू रिविजिट दिस. ठीक है. ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. इन दो फैक्टर्स के ऊपर ब्लड प्रेशर हमारा डिपेंडेंट है. ठीक है. कहाँ कहाँ पे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? आर्टीरियोल्स, जो रेजिस्टेंस वेसल्स होती हैं, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, यानी कि आप एट द लेवल ऑफ वेसल्स, वास्कुलर सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर. एंड द अदर इज़ द हार्ट और द किडनी. अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लें ऑटोनॉमिक भी, तो मेनली जो आर्टीरियोलर लेवल पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है वो अल्फा वन रिसेप्टर्स आपका सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है. हार्ट में जो रिसेप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बीटा वन रिसेप्टर्स हैं, जो आपके हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट को इन टर्न मॉनिटर कर रहे होते हैं. एंड किडनी में अगेन यू हैव गॉट दी बीटा वन रिसेप्टर्स. बीटा वन रिसेप्टर्स बिकॉज दे कॉज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन, एंड देन जो किडनी रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन टू, देर आर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस दैट अल्टीमेटली अफेक्ट द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन. ठीक है जी. इसको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे. अब थोड़ा सा अगर हम अपनी इक्वेशन को मजीद ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा उसको एलाबोरेट करते हैं, सो वी से दैट द मेन आर्टीरियल प्रेशर इज बेसिकली द ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर वन कार्डिक आउटपुट एंड नंबर टू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. तो अब हम थोड़ा सा मजीद ब्रेक कर लेते हैं कि कार्डिक आउटपुट किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है. कार्डिक आउटपुट इन टर्न इज डिपेंडेंट अपॉन दी हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. तो ये देखेंगे कि यहाँ से जी कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट पे और स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है. ठीक है. दैट मीन्स कि ब्लड प्रेशर जो है, अगर हार्ट रेट चेंज होगा तो वो कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करेगा, कार्डिक आउटपुट इफेक्ट होगा तो वो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा. एंड सेम गोज फॉर द स्ट्रोक वॉल्यूम, कि स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होगा तो कार्डिक आउटपुट चेंज होगा, और कार्डिक आउटपुट चेंज होगा तो ब्लड प्रेशर चेंज होगा. ठीक है. दैट मीन्स कि अल्टीमेटली इफ़ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स जो आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज करेंगे या रेगुलेट करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे, दैट वुड इंक्लूड द हार्ट रेट, दैट वुड इंक्लूड द स्ट्रोक वॉल्यूम टुगेदर वाई दीज टू, बिकॉज दे आर दे दीज आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर कार्डिक आउटपुट. एंड देन वी हैव द पेरिफ्रल वास्क्यूलर रेजिस्टेंस. वो इन टर्न किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है? मसल टोन कितनी है वास्क्यूलर मसल्स की, रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है, स्टिफ वेसल्स रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, स्टिफ क्यों होती हैं हम आगे देखते हैं इस बात को. ठीक है. नर्वस कंट्रोल, आपका सिंपथेटिक आउटफ्लो कितना है, कोई वेजो एक्टिव मेटाबोलाइट्स जिस तरह के वेजो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, कोई लोकल वेजो कंस्ट्रक्टर्स या लोकल वेजो डायलेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हों, और देर आर सर्टन एंडोथेलियल फैक्टर्स जैसे एंडोथेलियल डिराइव रिलैक्सेशन फैक्टर, अगर कोई चीज़ उनको रिलीज कर रही है. ठीक है. सो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स विच कैन कंट्रोल योर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट दी ब्लड प्रेशर, बिकॉज ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन दीज टू बिगर फैक्टर्स विच आर देन ब्रोकन डाउन इन टू मल्टीपल माइनर फैक्टर्स. ठीक हो गया जी.
So this is how we see it. Now, जब हमने अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को प्लान करना है तो हमने बहुत डिटेल में इस चीज़ को देख लिया कि हम किस किस लेवल पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज वी नो दैट द ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन दी हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. सो एनीथिंग दैट मॉडिफाइज दीज फैक्टर्स इज गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. द फर्स्ट ग्रुप इज डायूरेटिक्स. थोड़ा सा आप लोग भी इस पे थिंक अबाउट इट कि हमने ये बात की है. आई विल जस्ट राइट इट अगेन कि ब्लड प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम विच आर बेसिकली द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द कार्डिक आउटपुट एंड ऑल्सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पेरिफेरल वैस्कुलर असिस्टेंस. सो डायूरेटिक्स का काम क्या है? दीज आर द ड्रग्स विच आर गोइंग टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन. सो दे आर गोइंग टू डिक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम. डायूरेटिक्स कैसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं? बिकॉज दे आर गोइंग टू डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम. एनी फैक्टर डिक्रीज्ड हेयर इज अल्टीमेटली गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ठीक हो गया जी. सो दिस इज हाउ द डायूरेटिक्स विल वर्क. देन वी कैन हैव द सिम्पैथोप्लीजिक एजेंट्स. सिम्पैथोप्लीजिक एजेंट्स का जो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा वो एक ही आएगा कि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हमने देखा था कि बिकॉज ये अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है सिम्पथेटिक आउटफ्लो का अपॉन द वैस्कुलर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो सिम्पैथोप्लीजिक्स जो है वो हमारी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करेंगे. एंड ऑल्सो बिकॉज हार्ट में भी हमारे पास बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं विच आर अगेन डिपेंडेंट अपॉन दी सिंपथेटिक स्टिमुलेशन. ये बीटा रिसेप्टर्स भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं. सो हार्ट रेट भी डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा. सो दीज टू फैक्टर्स विल अल्टीमेटली लीड टू अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर व्हेन वी यूज द सिम्पैथोप्लीजिक एजेंट्स. डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स का क्या काम होगा? डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स ने वैसोडायलेट कराना है और डायरेक्टली एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कराना है, कोई सिस्टमिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करना. सो दैट मीन्स वो डायरेक्टली पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे बिकॉज वो डायरेक्टली मसल्स की कंट्रैक्शन को प्रिवेंट कर रहे होंगे. सो टिपिकली द डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स आर गोइंग टू कॉज अ डिक्रीज इन द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. ठीक हो गया जी. देन देयर आर एजेंट्स दैट ब्लॉक द प्रोडक्शन और एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन. अब जो भी चीज़ एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करेगी, एंजियोटेंसिन इज़ अ वेरी नोटोरियस मीडिएटर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड. एंजियोटेंसिन के आगे से मल्टीपल एक्शंस हैं. व्हेन वी कम डाउन टू दिस पार्ट तो हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ब्रीफली स्पीकिंग एंजियोटेंसिन क्या करती है? सबसे पहले तो जो है वो इट इज़ अ डायरेक्ट वैसोकंस्ट्रिक्टर. एंजियोटेंसिन खुद एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है तो वो क्या करेगी? वो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को इनक्रीज करेगी. ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन क्या करती है? एंजियोटेंसिन जो है वो सिंपथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज़ करती है. सिंपथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज़ होगा तो वो भी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, है ना. एंड देन द थर्ड थिंग इट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टीरोन. और एल्डोस्टीरोन की जब स्टिमुलेशन होती है तो एल्डोस्टीरोन कॉजेज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. जब वाटर रिटेन हो जाता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. इमेजिन वन लिटिल कंपाउंड is going to produce a massive increase in the blood pressure. Why? Because it is going to stimulate multiple factors. ठीक है, तो इसको अगर हम block कर दें, अगर हमने इस angiotensin की production को block कर दिया, हमने इसके action को block कर दिया, तो ये सारी cycle को हम break कर देंगे and we can prevent the hypertensive effect that is produced by angiotensin. अगर आप अपनी बुक पे जाएं, तो दिस इज़ हाउ योर बुक क्लासिफाइज द ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नाइसली क्रिस्पली क्लासिफाइड. और आप अगर इसको याद कर लेंगे ना, आई ऑलवेज से दैट योर क्लासिफिकेशंस आर बेसिकली योर रोड मैप. जब आप किसी जगह पे जाते हैं ना, किसी मॉल में जाते हैं, एनी प्लेस दैट यू विजिट, सो दैट यू डोंट गेट लॉस्ट इन दैट प्लेस. तो आप एक उसका कोई मैप ढूंढते हैं. यू ट्राई कि आपके माइंड में कोई जो है वो उसकी ओरिएंटेशन बन जाए. ठीक है, द सेम गोज फॉर योर फार्माकोलॉजी चैप्टर्स. जब आप थोड़ी सी डायमेंशन बना लेंगे ना, आपको पता होगा कि ओके, दिस चैप्टर हैज़ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप, और फिर इसमें ये वाली ड्रग्स हैं, इसमें ये वाली ड्रग्स हैं. सो मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड वट यू आर गोइंग टू इनकाउंटर. और वो आपके लिए जब उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाएगा, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मेमोराइज इट एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो क्लासीफाइंग ऑल दी ड्रग्स, वे सिम्पैथोप्लीजिक्स में बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं बिकॉज देर आर मल्टीपल लेवल्स जहाँ पे आप अपने सिम्पथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव वेजोडायलेटर्स विच कैन आइदर बी
ओरल वेजोडायलेटर्स और दे कैन बी पारेंट्रल वेजोडायलेटर्स या फिर मिक्स्ड हो सकते हैं. जो मिक्स्ड है उसमें एक ही ग्रुप है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का. ठीक है, वी हैव ड्रग्स जो कि एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करें, वो भी फिर मल्टीपल लेवल्स पे आप ब्लॉकेट लगा सकते हैं. आप रेनिन को इनहिबिट कर दें या फिर आप एस एंजाइम को इनहिबिट कर दें जो कि एंजियोटेंसिन 2 को बनाती है, तो अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज कर देंगे तो भी आप उसका फैक्टर रिड्यूस कर देंगे. या फिर फाइनल ऑप्शन ऑब्वियसली क्या है कि आप जिस रिसेप्टर पे जाके उसने एक्ट करना है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें. सो दिस इज़ दी प्रिसाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. अब देखें, हमने ये रियलाइज़ कर लिया है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. आप वेजोमोटर के लेवल पे सेंट्रली आप कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ? कि सेंट्रली सिंपथेटिक आउटफ्लो को आप डिक्रीज़ कर दें. जो भी चीज़ सेंट्रल सिंपथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज़ करेगी, आप उसको जो है वो उसकी वजह से सिंपथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज़ होगा तो वेसल्स की स्टिमुलेशन कम होगी और हार्ट की स्टिमुलेशन कम होगी. ठीक है, एंड कमिंग डाउनवर्ड्स जब आप सीएनएस से आना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप गैंग्लिया को ब्लॉक कर दें, आप स्मूथ मसल्स को ब्लॉक कर दें, आप रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, आप एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, आप नर्व टर्मिनल्स को ब्लॉक कर दें, आप किडनी ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर दें. सो देर आर सो मेनी पॉइंट्स जहाँ पर आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो एक्ट कर सकती हैं. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है, हाउ टू चूज़ कि कौन से किस पॉइंट पे हमें इनको ब्लॉक करना चाहिए, बिकॉज ये सब ओवर द टाइम हुआ. दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के मे बी स्टार्ट यहाँ से हुई, फिर थोड़ा सा और स्पेसिफिक किया, फिर और किया, अल्टीमेटली यू कम टू द रिसेप्टर लेवल. वाई? बिकॉज जितना आपका प्रिसाइज ब्लॉकेट होगा उतना आपका रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स की प्रोफाइल आपकी रिड्यूस हो जाएगी. जितना ऊपर आप ब्लॉक लगाओगे उतना आप ज़्यादा एरिया को इन्वॉल्व करोगे और उतने उसके साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा होंगे.